शादी होती है तो पति जो होता है वो पत्नी के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो ऑफिस से आता है तो उसको घुमाने के लिए बाहर लेके जाता है, अलग अलग होटल्स में लेके जाता है, मॉल्स में लेके जाता है, मूवीज में लेके जाता है, सभी जगह लेके जाता है। वो उसको खुश करना चाहता है। और वैसी पत्नी भी ऐसी होती है, जब पति आता है तो वो जो है वो पानी देती है पति को, कुछ बना के देती है, चाय देती है, उसकी सेवा करती है। मगर जैसे दिन बीतते जाते हैं, 5 महीना 6 7 महीना, तो क्या हो जाता है कि हम रिश्ते को हल्के में लेने लगते हैं। अभी पत्नी कहती है पति से मुझे बाहर लेके जाओ खाने के लिए, पति कहता है नहीं नहीं घर पे मंगाओ, टाइम नहीं है। जब पति आता है थका हुआ तो पत्नी से कहता है पानी दो, वो पत्नी कहती है जाके ले लो। देखो जैसे दिन बीत जाते हैं ना, हम रिश्ते को हल्के में लेने लगते हैं, और जब हल्के में लेने लगते हैं तब उस व्यक्ति के प्रति प्रेम आदर वो सब चला जाता है। और इसलिए जो हम देखते हैं डिवोर्स हो जाते हैं। भाइयों बहनों यही बात है, हम परमेश्वर के रिश्ते को हल्के में लेते हैं, हम परमेश्वर का आदर नहीं करते, इस वजह से हम शराब पीते हैं, हम दूसरों को माफ नहीं करते हैं, हम गालियां देते हैं, हम पोर्नोग्राफी देखते हैं, व्यभिचार करते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर का डर नहीं है। हम परमेश्वर के रिश्ते को हल्के में ले रहे, और जब हल्के में लेते तो हम कैसे भी जीवन अपने खुद से जीते हैं और अपने मन से परमेश्वर की उपासना करते हैं, जैसे चाहे वैसे। हो सकता है कि आप मसीह को, यीशु मसीह को आप पहले से जानते हो, आप मसीह खानदान में पैदा हुए हो। जब आप छोटे थे, जब स्कूल जाते तो आप यीशु मसीह को कितना प्यार करते थे। कोई भी कहता उनके गाने गाओ तो आप उठ के गाने गाते थे, आप नाचते थे, को बहुत प्यार था, आप प्रार्थना करते थे, चाहे आपको आता नहीं था मत तो भी आप प्रार्थना करते थे। मगर जैसे दिन बीतते गए वो प्रेम कम हो गया, आदर कम हो गया, वो डर कम हो गया। और अभी जो है अभी आपको समय नहीं है, अभी सिर्फ आपको क्रिसमस में जो है आपको यीशु याद आते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिसमस को आपको पीने मिलता है। हो सकता है कि आप यीशु मसीह को 5 साल से जानते हो या 10 साल से जानते हो, जब आपने उनको जाना तो आपके मन में यीशु मसीह के प्रति कितना प्यार था। आप हर रोज बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, अपनी टेस्टिमनी देते थे, खुश रहते थे। मगर अभी क्या हुआ है, वो सब प्यार कम हुआ है। अभी आपके पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने का, समय नहीं है प्रार्थना करने का। दुनिया की चीजों के लिए समय है मगर यीशु मसीह के लिए समय नहीं है। भाई बहनों यही क्रिसमस का संदेश है, वही यीशु मसीह आज हमसे चाहता है कि जो पहला प्यार जो था उसको हम भूल चुके हैं, हम पहले प्यार को भूल चुके हैं। हमें